बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं मिसेस जावेद, आप सबको वेलकम करती हूं अपने चैनल पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैंने आपको पहले से भी बताया हुआ है कि हम लोगों का जिस इलाके में हमारा घर है वहाँ पर गैस नहीं है, और कुछ कुछ घरों में लगा है, कुछ में नहीं लगा। तो गैस वैसे बैन हुआ हुआ है, तो अभी हम लोगों ने दरख्वास्त जमा कराई है तो गैस के लिए। तो आज इत्तफाकन हमारे घर में गैस ख़त्म हो गया और दोनों बेटे भी घर नहीं थे, तो अब खाना बनाना था, रात हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो छत पर हमारा चूल्हा रखा है, लकड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो चलो कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने छत पे चूल्हा, पहले तो मुझे आग ही ना जलानी आई, बहुत मुश्किलों से मैंने चूल्हे पे आग जलाई। और फिर मैंने ना और फिर बनाना भी मैंने कोरमा चिकन आलू गोश्त का सालन था ना, तो बहुत मुश्किलों से पहले तो मुझसे आग नहीं जली। और जब आग जली तो मैंने फिर फटाफट ना कढ़ाई पर चढ़ा दिया कि मैंने कहा चलो बना लूँ खाना। तो इसलिए मैंने थोड़े से प्याज वगैरह को हल्का सा बस पिंक किया, टमाटर हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा सोडा इसके अंदर मैंने ऐड किया, और पानी डाल के इसको मैंने रख दिया 10 मिनट के लिए बंद करके ढक्कन लगा के कढ़ाई का। और सोडा ऐड करने से बहुत जल्दी ना प्याज और सारा मसाला जो होता है ना वो गल जाता है। तो उसके बाद अब आस्ता आस्ता ना अंधेरा भी होने लग गया, और हमारी छत पे ना कोई लाइट का भी इंतज़ाम नहीं था, तो बस मोबाइल की रोशनी में मैंने खाना बनाया। तो फिर मेरे बेटे रात 11-12 बजे तक जाके गैस मिल गया था, ले आए थे, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से खाना बनाया, तो शुक्र है लेकिन बन गया था। तो फिर जैसे वो सारे प्याज जो थे, वो टमाटर प्याज और सब काफ़ी मैड हो गए थे, तो उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया, और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे फिर बाद में आलू भी। तो क्योंकि आलू वाला बनाना था, तो आलू गोश्त का ना सालन बनाना था, तो मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना हो गए हैं लेज़ी, जो शहर के लोग हैं। क्योंकि मैंने अपने बचपन से लेके अब तक मैंने हमने गैस ही देखा है, सुई गैस ही हमारे यहाँ होता है, तो मुझे कभी भी मैंने चूल्हे पे खाना नहीं बनाया था। जब से मैं पैदा हो के बड़ी हुई तब ना गैस ही था, लेकिन बस ये एक मजबूरी आ गई कि हम एकदम जिस कॉलोनी में हम लोग आए यहाँ पर नहीं है गैस ना, तो इसलिए मैंने इसमें बनाना पड़ा। तो बस मैंने मेरा चूल्हे की आग जलाना और उसका तजर्बा भी मेरा तो बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। और सबसे बड़ी बात इसमें ये हो गया ना कि गैस में तो हम थोड़ी आग करके हम जो मर्ज़ी, फिर मैं नमाज़ भी पढ़ सकती हूँ, चलो भी आग कम की नमाज़ पढ़ लूँ जाके, या कोई और भी काम कर लूँ। लेकिन गैस की इसमें चूल्हे में थोड़ी देर के बाद आग ख़त्म, उसकी लकड़ियाँ फिर आगे करो, समझ नहीं आया कि ऊपर चम्मच उसमें हिलाऊँ या मैं फिर उसके चूल्हे की गैस लकड़ियाँ आगे करूँ। इतनी मुश्किलों से मैंने खाना बनाया बस, जिसके कि हद नहीं। और मेरे पोता पोती भी देख रहे कि दादो कर क्या रही है, तो धुएं की वजह से ना मेरा काफ़ी गला भी ख़राब हो गया। तो फिर मेरी पोती मुझे कहती है कि दादो आपका ना गला ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा कि हाँ, तो इसकी वजह से हो गया मसला। तो फिर उसके बाद मैंने चिकन आलू भून के इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया जितना अभी मुझे हमें रिक्वायर होगा, तो बस ढक्कन लगा दिया कि सालन तैयार हो जाए। तो बस अभी इसको अच्छे बस इसको थोड़ी देर मैंने हिलाया और इससे मेरा खाना तैयार हो रहा था। तो फिर ऊपर आसमान पे मैं आपको चांद भी दिखाती हूँ, और ये मेरी बहू ने वीडियो बनाई थी चांद की, और ये सालन मेरा चिकन आलू भी गल गए हैं और चिकन भी गल गया है। इसको मैं थोड़ा सा भी इसको मैं भून लूँगी और इसमें ऐड मैं कर दूँगी उतना ही पानी जितना हमने शोरबा बनाना है, क्योंकि आलू गोश्त बनाना है तो उसमें तो फिर शोरबा सही सही हो तो फिर बनता है, अच्छा भी लगता है। और मैंने चूल्हे पे ही रोटी बनाई थी, लेकिन मैंने रोटी की वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत मुश्किल से मुझसे ये सारा काम हुआ था। तो मैंने कहा गैस हर हाल में आ जाए, नहीं तो सुबह तक मुझसे खाना नहीं बनेगा। तो फिर बहुत शुक्र है मेरे बेटे आए, और यहाँ हमारे शहर में 11 बजे तक दुकान खुली होती है गैस वाली ना, तो फिर वो सिलेंडर फिल करवा के लेकर आए, तो फिर मैंने बनाया और ये सालन हमारा बन गया है। इसके ऊपर मैं धनिया हरी मिर्चें और गरम मसाला छिड़क के उसको थोड़ी देर के लिए दम में इसको रख दूँगी। तो ये देखिए अभी मेरा खाना तैयार है, जो हम लोगों ने खाया, इंजॉय किया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।